नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होने वाली समिट की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के प्रमुख सचिव मोहंती बुधवार को इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक ली। बता दें कि 17 व 18 अक्टूबर को होने वाले आयोजन के लिए जायजा लेने आए प्रमुख सचिव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देशव्यापी मंदी का प्रदेश में कोई असर नहीं है, इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में रुचि दिखा रहे हैं। दो दिनी आयोजन के स्पेशल सेशन में तमाम उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री कमलनाथ संबोधित करेंगे। इससे पहले 16 एवं 17 अक्टूबर को वह सूची जारी कर दी जाएगी, जिससे पता चल सकेगा कि प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती थी। मध्य प्रदेश में सख्त आदेश के बावजूद भी पुलिस और कानून व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा है, जिसके चलते दुष्कर्म की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसी कड़ी में धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र में 14 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बकरी चरा रही लड़की को जबरदस्ती एक खेत में ले जाकर उससे कुकृत किया। घटना निसरपुर चौकी क्षेत्र में हुई है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ शातिर बदमाश लक्ष्मण उर्फ लच्छू ने अकेली लड़की को देख खेत में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए और धार पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धारा लगाई है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। दशहरे के दूसरे दिन बुधवार को मंदसौर में अज्ञात बाइक सवारों ने एक हिंदूवादी नेता को गोली मार दी। घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान घायल को जिला अस्पताल भेजा, जहां उसने दम तोड़ दिया। मंदसौर में हुई इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने हरकत में आते हुए आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं मामले में मंदसौर के अभिनंदन नगर स्थित गोलीबारी की इस घटना के बाद क्षेत्र के लोग डरे सहमे हैं। बताया जा रहा है कि किसी रंजिश के चलते घात लगाकर बैठे दो बाइक सवारों ने बीच बाजार में हिंदूवादी नेता पर दनादन गोलियां दाग दी, जिसके बाद वह मौके पर ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली मारने वाले आरोपियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पुलिस हथियारों की जांच करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर इंदौर में 17 व 18 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है, जिसमें देश विदेश से कई बड़े उद्योगपति शिरकत करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में समिट को लेकर कोई उहापोह नहीं है। इस सरकार में उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश को पिछली सरकार के जैसे आश्वासन नहीं मिलेगा, बल्कि उद्योगों के नाम पर प्रदेश को कई नई ऊंचाइयां मिलेगी। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर में होने वाली समिट का जिक्र करते हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जमकर घेरा। वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर जुवानी वार करते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्री व्यापारियों उद्योगपतियों के पैर पड़ने जाते थे और उन्हें प्रदेश में आमंत्रण देते और कहते थे भले उद्योग ना डालो लेकिन प्रदेश में समिट में जरूर आओ, लेकिन इसके विपरीत कमलनाथ सरकार सिर्फ काम में भरोसा रखती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा के अनुसार सरकार में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। कमलनाथ सरकार किसी तरह का प्रोपेगंडा नहीं करते हैं। इस बार सीएम ने उद्योगपतियों को कह दिया है कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, प्रदेश की तरक्की के लिए उद्योग चाहिए। मंत्री वर्मा के मुताबिक इस समिति के जरिए प्रदेश में उद्योगों के लिए उद्योगपतियों के खजाने खुल सकते हैं, जिससे इंदौर सहित कई शहरों में बेरोजगारी कम होने की संभावना जताई जा रही है। बड़वानी जिले के निस्तार तालाब में नहाते समय 3 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। बुधवार को हुई घटना में 2 सगी बहनें भी थी जो अब नहीं रही। 2 सगी बहनें 10 वर्षीय रीता और 8 वर्षीय गीता सहित 8 साल के संदीप की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल हो गया। वहीं 7 साल के राकेश को डूबने से बचाने की सूचना मिली है, जिसे सेंधवा के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल सेंधवा ग्रामीण थाना की बीजासन पुलिस चौकी मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बच्चे वहां तालाब में रोज की तरह नहाने जाते हैं। ग्राम सेगी तालाब है, वो निस्तार डैम का तालाब बना हुआ है सेगी में, वहाँ पर रोज की तरह बच्चे जो नहाते हैं।
तो आज बच्चे नहा रहे थे कुछ वहाँ पर तालाब पे, तो कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई, दौड़ो दौड़ो डूब गए। तो पास में एक बलराम करता है, बलराम बारेला, उसका खेत है वहाँ पर। उसके खेत पर दौड़ के आया तो उन्हें देखा कि बच्चे डूब रहे हैं, तो एक बच्चे को तो उसने निकाला और उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा। फिर जो दूसरे बच्चे थे उनको और गांव वाले आए, धीरे धीरे उनको तालाब में से निकाल लिया गया। मृतक में से है कुमारी रीता पिता भाईदास बारेला, जिसकी 10 साल उम्र है। उसी की बहन है कुमारी गीता पिता भाईदास, जिसकी उम्र 8 साल है। और एक और है उनके साथ में एक छोटा बच्चा संदीप पिता आसाराम बारेला, जिसकी उम्र 8 साल है। ये तीनों बच्चों की डूबने से मृत्यु। एक बच्चे को बचा लिया गया है, एक बच्चे को बचा लिया गया, उसको उपचार के लिए सीधे सिविल हॉस्पिटल सेतुआ भेजा गया। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर इंडिया के साथ।